स्टूडेंट्स चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशन करते हैं एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं एन एस्ट्रोनॉट इज ट्रेवलिंग इन which स्पेस विच इज 100 एट हंड्रेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड फ्रॉम What is वॉट इज द the ऑफ द एस्ट्रोनॉट द मोमेंट ही स्पेस शिप अज्यूमिंग नेग्लिजिबल ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अदर स्टार्ट इन द यूनिवर्स प्रॉब्लम ये है कि एक एक्स्ट्रोनॉट है जो कि अपनी स्पेस शिप में ट्रेवल कर रहा है और वो स्पेस शिप एक्सीट कर रही है एट द रेट ऑफ हंड्रेड मीटर सेकेंड स्क्वायर अब चूंकि ये एस्ट्रोनॉट भी स्पेसिप के अंदर है तो ये भी एक्सेलरेट कर रहा है सेम रेट से जो कि हंड्रेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सीडेंटली ही गेट सेपरेटेड फ्रॉम इस स्पेस शिप ये एक सिचुएशन है कि एक्सीडेंटली वो अपने स्पेस शिप से अलग हो जाता है हमें पता लगाना है द मोमेंट द एस्ट्रोनॉट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेसशिप उस क्षण पे जैसे वो अपनी स्पेसशिप से अलग होता है एस्ट्रोनॉट का एक्सेलेशन क्या होगा और हमें करने के लिए बोला गया है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे स्टार्स की वजह से वो डाट इज नेग्लिजिबल तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसको हमें पता लगाना है कि इस एस्ट्रोनॉट का एक्सेलेशन क्या होगा जैसे ही अपनी स्पेसशिप से अलग हो जाएगा चलिए इस प्रॉब्लम को पहले हम अपनी डे टू डे लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं फिर स्पेस में जाके समझेंगे ये एक ग्राउंड मैंने बना लिया दिस इज माई ग्राउंड और इस ग्राउंड पर मैं एक ब्लॉक रखता हूँ कुछ इस तरीके से रखते हैं दिस इज माई ब्लॉक और इस ब्लॉक का मास है मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास मैंने ले लिया ट्वेंटी के जी अब इसको मैं आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ फोर्स लगा रहा हूँ और जो फ्रिक्शन फोर्स है ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट पॉइंट पे लगेगी पीछे की तरफ मैंने इसको फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया एफ और स्मॉल सब फ्रिक्शनल फोर्स अब जो मेरी अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा है दैट इज अप्लाइड डिफरेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स तो जो नेट फोर्स है वो आगे की तरफ ही लग रही है जिसको मैंने एफ नेट ले लिया जो कि ट्वेंटी न्यूटन है जो नेट फोर्स है वो ट्वेंटी न्यूटन आगे की तरफ लग रही है दैट मीन्स मेरा ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा जा रहा है किस एक्सेलरेशन से जाएगा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फोर्स क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन इसका मास है ट्वेंटी के जी और एक्सेलरेशन में निकाल लेता हूँ और नेट फोर्स जो लग रही है दैट इज ट्वेंटी न्यूटन So, हमारा आ जाएगा मीटर पर स्क्वायर ट्वेंटी से ट्वेंटी कैंसिल आउट हो गया आ जाएगा तो एक मीटर पर सेकेंड रेट से ये एक्सेलरेशन में लिख देता हूं वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से मेरा ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा और अब अब एक काम करते हैं अब मैं पता लगाना चाहता हूं कि आफ्टर फाइव सेकेंड पांच सेकेंड के बाद या खत्म होते ही पांच सेकंड की खत्म होते ही मेरे ये जो ब्लॉक है जिसको मैं धक्का लगा रहा हूं नेट फोर्स ट्वेंटी न्यूटन से उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो मान लेते हैं पांच सेकंड में कुछ यहाँ पे हमारा ब्लॉक पहुंच जाता है ये टाइम हो गया टाइम इंटरवल फाइव सेकंड हो गया पांच सेकंड बीतते हैं और हमारा ब्लॉक पॉइंट बी पर पहुंच जाता है तो इस पॉइंट पे हमारी विलॉसिटी क्या होगी ओके दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए डी इनिशियल हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं जीरो ले लेता हूं और एक्सेलेशन इज वन जो अभी निकाला टाइम मेरा पांच सेकेंड्स तो मेरी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी फाइव मीटर पर सेकेंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर फाइव सेकेंड्स v सेकेंड अब यहां पे क्या करता हूं मैं एकदम से धक्का लगाना बंद कर देता हूं जो मेरी f नेट मैंने जीरो कर दी और एट द सेम टाइम हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम मोमेंट पे जीरो कर देते हैं जब हमने फ्रिक्शनल फोर्स पहले जीरो कर दी फिर जो नेट फोर्स है उसको भी मैंने एकदम से रोक दिया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ब्लॉक है उस पे कोई फोर्स नहीं लग रही ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ दैट मींस इसका एक्सेलेशन नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इसका एक्सेलेशन इस मोमेंट में जीरो हो गया द मोमेंट आफ्टर फाइव सेकेंड्स और उस मोमेंट में वेलोसिटी क्या थी इसकी उस मोमेंट में इसकी वेलोसिटी थी पांच मीटर पर सेकेंड तो अब ये ना कोई फ्रिक्शन है और ना ही कोई फोर्स अप्लाइड हो रही है तो उस मोमेंट के 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 बाद, बाद ये ये हमेशा, हमेशा मैंने ऐसे लिए करता रहेगा। अगर मैंने अपनी अप्लाइड फोर्स भी हटा दी और फ्रिक्शन को भी जीरो कर दिया दैट मीन जो फाइनल इसकी बेलॉसिटी हुई पांच मीटर पर सेकेंड उस यूनिफॉर्म बेलॉसिटी से ही ये मूव करता रहेगा तो ये तो हमने एक रफ सरफेस में प्रैक्टिकल तरीके से पता लगाया कि किस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं और जब फोर्स को हम जीरो करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है अगर जो वेलोसिटी निकल के आती है वही उसी वेलोसिटी से फिर वो आगे ट्रेवल करता रहेगा प्रोवाइडेड नेट फोर्स हमारी जीरो हो जाए इसको स्पेस के कॉन्टेक्स में समझते हैं मान लिया दिस इज ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है स्पेस शिप है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है और ये इस तरीके से मूव कर रहा है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ हंड्रेड मीटर मीटर पर 100 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर के रेट से ट कर रहा है और स्पेसशिप के अंदर हमारा एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है दिस इज अवर एस्ट्रोनॉट और जैसे ही एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली बाहर निकल जाता है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है मतलब वो एक्सीट कर रहा है अगर स्पेसशिप के अंदर है तो एस्ट्रोनॉट भी एक्सिलेट कर रहा है से, 100 के से, लेकिन जैसे ही वो से बाहर निकल जाता है तो उस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो जीरो था वो जीरो हो गया एक्सलेशन जीरो अब कोई फोर्स नहीं लग रही और और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसकी उसी वेलोसिटी से वो स्पेस में मूव करेगा मान लेते हैं इसको भी ऐसी केस लेके चलते हैं मान लेते हैं इस कंडीशन को जब ये स्पेसशिप पे था पॉइंट ए पे था उसको हम मान लेते हैं टी इज इक्वल टू जीरो और से आफ्टर फाइव सेकेंड्स टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड्स ले लेते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इस ये स्पेस शिप से बाहर एक्सीडेंटली चला जाता है एस्ट्रोनॉट तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो है और स्पेसशिप यहाँ से स्टार्ट करता है एक्सिलेट करता है तो इट इज एक्टिंग एट द रेट ऑफ हंड्रेड मीटर पर सेकेंड रेट से एक्सिलेट कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर विलॉसिटी यू प्लस एटी मान लिया इसको स्ट्रेट लाइन मोशन हम लेके चल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो हंड्रेड इन टू फाइव That is 500 meter per second square. ये इसकी विलॉसिटी हो गई सेकेंड और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एकदम से स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं एक्सीडेंटली और उस मोमेंट पे एक्सेलेशन जीरो हो जाता है अब उसपे कोई एक्सलेशन नहीं लग रहा है एस्ट्रोनोट पे और उस मोमेंट पे आफ्टर फाइव सेकेंड इनकी विलोसिटी थी फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो ये फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड की विलोसिटी से स्पेस में मूव करने लग जाएंगे सो so, हम ये बोलेंगे वॉट इज द एक्सलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट द मोमेंट ही आउटसाइड स्पेस शिप हम बोलेंगे द एक्सलेशन वुड बी एक्टिंग ऑन इट वुड बी जीरो क्योंकि अब कोई इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है थैंक यू